पत्रकार वार्ता के दौरान मुड़वारा कटनी विधायक ने कहा, 2 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार ने न सिर्फ प्रदेश को उबारा बल्कि कोरोना जैसे संकट का भी सामना करते हुए बीते 2 सालों में सरकार ने चुनौतियों को अवसरों में बदला है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के ध्येय के साथ काम करते हुए प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के रास्ते पर अग्रसर है। ये बातें कटनी विधायक संदीप जायसवाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। साथ ही कहा, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों को दवाएं भोजन उपलब्ध कराया। यही नहीं बल्कि कोरोना टीकाकरण में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महत्वपूर्ण काम किया। इस संकट के थम जाने के बाद भी कार्यकर्ता प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम भी कर रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब कमलनाथ सरकार ने लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान, तीर्थ दर्शन योजना समेत गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं बंद कर दी। हमारी संवेदनशील सरकार ने इन योजनाओं को दोबारा शुरू किया। आज मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मियों की संख्या 41 लाख हो गई है। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार के कल 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज पत्रकार वार्ता का यहाँ पर आयोजन किया गया था। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर जो काम किए उनका विस्तृत विवरण आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया। किस तरह से सरकार ने सिंचित एरिया बढ़ाने के लिए प्रयास किया, किस तरह से ये जो योजनाएं कांग्रेस शासनकाल में बंद कर दी गई थी उनको प्रारंभ किया गया, किस तरह से जो गुंडागर्दी बढ़ रही थी, माफिया बढ़ रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करके उनके ऊपर कठोर दंड लगाया गया, अनेक विषयों पर विस्तृत विवरण आपके समक्ष अभी प्रस्तुत किया जा चुका है। सरकार ने 2 सालों में किस तरह से देश के विकसित राज्यों में प्रदेश को खड़ा किया है, किन किन योजनाओं में प्रदेश हमारा देश में नंबर 1 है, उसके संबंध में भी चर्चा की गई है। और इस तरह आज सरकार के जो कार्य काल का 2 वर्ष पूरा हुआ है, ये जो प्रेस वार्ता की गई है क्या ये नागरी निकाय चुनाव को देखते हुए की गई है कि जो उपलब्धि गिनाई जा रही है? देखिए, ये तो सत्य है ना कि 2 वर्ष हो गए जी, तो 2 वर्ष पूर्ण होने पे हुई है। कटनी से प्रवीण कुमार पारेश्वर की ये रिपोर्ट।